ये एक हेल्प करता है, एक बूस्ट करता है आपको, जो के अर्निंग में बूस्ट करता है। मुझे यहाँ पे जैसे सरमत बता रहे थे कि ये मॉर्निंग शिफ्ट को देखते हैं डबल एक्स ब्लॉक में, कि देर इज़ एन एनी पर्सन नाउ जो के ऐसा हो जिसने अभी तक 1 रुपया ना कमाया हो 3 महीने में। सो इट्स अ गुड साइन कि 3 महीने में हर बंदे ने एटलीस्ट मेड सम मनी आउट ऑफ इट। अभी मैंने एक चेहरा देखा है, ये इधर आ जाए आप। सो ये कि इसमें आपने ये देखना है कि आप क्या यहाँ पर करने आए हैं और आपका गोल क्या है, और ये मोटिवेशन आपको कैसे यहाँ पे मेंटेन रहेगी। सिर्फ आपको ट्रेनिंग सेशंस ही मिलेंगे, आपको यहाँ पर एक ग्रूमिंग भी साथ साथ मिलेगी। तो आई वॉन्ट टू ऑल्सो यू टू अंडरस्टैंड दिस गाय, इधर खड़े हो, गिरेगा नहीं। सो इन सब को ना अपनी स्टोरी बताओ, क्या है कि कौन हो तुम और क्या कर रहे हो और यहाँ क्या मौजूद हो, और रोना नहीं है, ठीक। इज़ वेरी जज्बाती जब भी अपनी स्टोरी बताता है, तो बताएं इनको और उन चीज़ बताइएगा। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 3 माह पहले हुई है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। इवन के आपको ई कॉमर्स में भी काम करना हो तो उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत होती है और एक अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मेरी सर से मुलाकात हुई गुलबर्ग ऑफिस में। एक सेकंड, यहाँ से गुलबर्ग ऑफिस में मेरी सर से मुलाकात हो गई। तो ये पार्किंग में जा रहे थे तो मैं इनके पीछे जाके खड़ा हो गया, तो इन्होंने मुझे खुद ही बुला लिया कि मेरा पीछा कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। सही। तो मैं सर के पास चला गया, सर मुझे काम करना है। तो कहते हैं हाँ कर ले, आपको कौन रोक रहा है। तो मैंने कहा सर माइक को मुझे, यार इधर रखे ताकि एवरीवन कैन हियर। माइक आराम से पकड़ो। तो इजी हो जाओ। संडे फिर मुझे सर खुरम खालिद का नंबर दिया कि आप इनसे कांटेक्ट करें और आपको लैपटॉप भी दिया जाएगा और जो वॉक में जगह। अब मुझे 3 माह हो गए हैं, 1 रुपये भी नेबलर ने मेरे से नहीं लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं $500 अर्न कर रहा हूँ। पहले क्या करते इससे पहले मैं शॉप पे काम भी करता था, एक 500 रुपये के लिए 12-12 घंटे खड़ा भी हुआ हूँ, और एक 10 रुपये के लिए रिक्शे से गालियाँ भी खाई हैं, 10 रुपये के लिए रिक्शा भी चलाता रहा हूँ सबसे पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे। थैंक यू। तो ये मकसद इसका ये है कि आप ये देखें, अब जो कह रहा है ना मैं नहीं कर सकता, अगर ये कर सकता है तो फिर सारे कर सकते हैं। लेकिन इसने मेहनत बड़ी ज़्यादा की है, और इसका शुक्रिया फाहद को भी जाता है क्योंकि इन्होंने इनको अपनी जगह में दी टीम में। कि कभी ये कि इसको क्या थी, भूख थी, कामयाबी की भूख थी कि मैंने करना है नो मैटर व्हाट। तो हमने कहा यार ऐसा बंदा जो कि बार बार पीछे पड़ गया, ऐसा क्या है इसमें। तो फिर ये कि ये तो ये आप आपने करना है इस, ये मकसद ये नहीं है कि ये आपको अगर नेकियां दिखाई जाएं एंड ऑल दिस। मकसद ये था कि आपको इससे मोटिवेट किया जाए कि अगर ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, ये भी साथ साथ ज़रूरी है, ठीक।